आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स को बच्चों को बहुत रोक टोक नहीं करना चाहिए, मैं आपके बोलने के पहले एक लाइन और बोल दूं, अभी के बच्चे कल के पेरेंट्स हैं, ये ध्यान में बना रहेगा तो सुनने में संतुलन बना रहेगा, वो दो पार्टियां ना बने। अगले 5 साल में हो सकता है आप उंगली में एक बच्चा लेके घूम रहे होंगे, तो उस स्थिति को ध्यान में रख के बोलो। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अब जैसे कोई बच्चा है, मेरी छोटी बहन को ही ले लेते हैं, अगर मेरी छोटी बहन है वो किसी चीज़ के लिए, मतलब शी वॉन्ट टू डू समथिंग, और हम उसको मना कर रहे हैं, मैं बड़ी बहन की तरह अगर मना कर रही हूँ, मुझे मालूम है, जैसे वो बोल रही है मुझे गड्ढे में कूदना है, बट मुझे मालूम है गड्ढे में कूदना इज़ नॉट द राइट थिंग, फंस जाएगी, मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगी या चोट लगेगी। मैं समझ गया आपकी बात। तो देखो, मेरा कहना यही है कि अभी जब वो गड्ढे में, हमको गड्ढे पता है, हम बड़े लोगों का अनुभव किस बात का है, हमको गड्ढे पता है, हमको जिंदगी पता है ऐसा नहीं है, हमको गड्ढे पता है, तो इसका मतलब है कि क्या नहीं करना है। हालांकि जिंदगी में ये एक बड़ा पार्ट है कि क्या नहीं करना है, ये भी एक जिंदगी का ज्यादा बड़ा लेसन यही वाला है, क्या करना है बहुत छोटा सा है, जिंदगी में क्या सही है वो बहुत छोटा सा है, जिंदगी में क्या नहीं करना है वो लिस्ट ज्यादा लंबी है, लेकिन जब क्या सही की रोशनी में गलती समझ में आता है, 2 जमा 2 4 होता है ये स्वीकार होने के बाद, 2 जमा 2 5 नहीं होता है ये आराम से पकड़ में आता है। तो अभी स्थिति ये है कि हम जो लोग अपने आप को बड़े मानते हैं, हम दूसरों को ये बताते हैं कि तुमको क्या नहीं करना है, लेकिन तुमको क्या करना है वो हम खुद नहीं जी रहे होते हैं, तो उनको ये नहीं दिखता है कि मैं करूं क्या, मेरे पास सोचने की अनलिमिटेड ताकत है, मैं दिन भर क्या सोचूं, मेरे शरीर में ताकत है, मैं इससे क्या करूं। तो अभी की सोसाइटी में बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सोचने की ताकत है, शरीर में ताकत है, काम कुछ है नहीं, ये ताकत चुप बैठने नहीं देती है, इसलिए बहुत भोग की तरफ जाना, तमाम नेगेटिविटी की तरफ जाना बाय डिफॉल्ट होगा, आप कितना रोकोगे, और हम खुद भी कहां रुके हुए हैं। आप सोचो, आप 24 घंटे क्या सोचते हो, 24 घंटे आपकी सोच में आप है कि कोई दूसरा है, और जब मैं हूं तो चिंता है, जब मैं हूं तो चिंता है, नहीं तो कोई दूसरा है। तो इससे यह पता चला कि मेरी सोच, यदि मैं आपको इसको टेक्निकली कहूं, तो ये 2 चीजें होती हैं, हमने लिखा था कि सदव्यय ही कमाई है, सदव्यय ही कमाई है, अभी के लिए मान लें जो निरंतर सुख तक पहुंचा दे उसका नाम सदव्यय है। इसमें लीकेज है, क्या लीकेज है, एक बोलते हैं क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का जागरण हो जाए और इच्छा शक्ति का जागरण हो जाए, ये 2 चीजें कही गई। क्रिया शक्ति का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे ऊर्जा का लीकेज है, मिसयूज है। तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा, आओ चुगली चुगली खेलें, बहुत कॉमन गेम है ना, कितना मजा आता है, सभी समझ गए। तो ये कितना सारा अपव्यय है। हम NIT के शिविर करते थे, तो एक दिन लड़के बोलते हैं सर जो दोस्त, जो भाई से जो बात हो सकती है ना वो दोस्त से नहीं हो, जो दोस्त से हो सकती है वो भाई से नहीं हो सकती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से, जो बात दोस्त से हो सकती है वो भाई से नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं बोला यार ऐसी क्या बात होती है, बोले सर आप नहीं समझोगे। मैं यार मेरा धंधा यही है समझना समझाना, बोले नहीं सर वो आपकी आपकी मतलब की बात नहीं। तो मतलब मैं समझाता हूं, तुम ठीक है कि नहीं है जवाब देना, तो जो मेरा मानसिक कचरा अपने ऊपर डलवाने के लिए तैयार हो जाए वो मेरा दोस्त है। तो तुम अपना मानसिक कचरा मेरे ऊपर डालो, मैं मेरा मानसिक कचरा तुम्हारे ऊपर डालूंगा, वो मानसिक कचरा भाई के साथ नहीं शेयर किया जा सकता। बोले सर बात तो ठीक है,
तो हमको एक डस्टबिन की तलाश है। वो हमारा दोस्त होता है। दोस्त करना ऐसी ये कहानी। तो इससे ये क्लैरिटी बनी कि आओ चुगली चुगली खेलें। अब मैं शब्द से करूं, गंध से करूं, रूप से करूं, है ना। हम मैं जॉब में गया दिल्ली, नेल्को टाटा मेरी पहली कंपनी थी, तो वहाँ कई सारे और इंजीनियर थे। मैं सुबह सुबह हम ऑफिस गए, थोड़ा जल्दी पहुँच गए। बोले यार हम लोग जरा आते हैं। मैं कहाँ जा रहे हो? बोले आँख सेक के आते हैं। मैं सोचा तब तक मेरी कोई टर्मिनोलॉजी ऐसे सामने नहीं आई थी, तो मतलब यार ये क्या होता है। वो मेरे ऊपर हंस के चले गए। तो दिल्ली के स्कूलों में वो स्कर्ट्स पहनते हैं बच्चे, है ना। तो सुबह सुबह स्कूल के बाहर खड़े होके लड़के लोग आंख सेकते हैं। ये क्या हो गया? ये ऊर्जा का अपव्यय हो गया। तो कितने तरीके से हम ऊर्जा का अपव्यय करते हैं और उसको हम जिंदगी मानते हैं, उसको हम मॉडर्निटी मानते हैं, उसको हम उपलब्धि मानते हैं। जो ज्यादा उसमें आगे निकल गया इंजीनियरिंग कॉलेज में एस्टेब्लिश्ड है, जो दूध पीता है वो बच्चा है, जो शराब पीता है वो बड़ा हो गया। तो अभी बच्चे क्लास 6-7 में बड़े हो जाते हैं। हमने सिखाया है, है ना। 7th का बच्चा कहता है होटल में बर्थडे मनाना है, 10,000 दे दो। किसने सिखाया? पहले गली में शादी होती थी, दोस्त लोग आके शादियां कर दिया करते थे, है ना। आपके पास पैसा आया, अब आपको लगा कि पड़ोसी को कैसे दिखाऊं। सामान्य घरों की शादियां भी अब 5-स्टार में करने का चलन हो गया। कुछ भी हो, शादी तो 5-स्टार में होगी। एक प्लेट का 4,000 रुपए आप देके आ रहे हो, 2 घंटे की वेडिंग एनिवर्सरी 15 लाख की, और वो 70 लाख की भी हो सकती है, मात्र 2 घंटे। किसने किया? हमने आपने किया ना। अब जब बच्चा कहता है मेरे को होटल में बर्थडे, और होटल में बर्थडे मनाओ और दारू नहीं रहे, तो पार्टी कैसी? तो किसने किया ये सब? शुरुआत किसने की? शुरुआत हम लोगों ने की। अब जब बच्चा करता है तो हमको खराब लगता है ना। इसका मतलब हुआ कि इंद्रियों से ऊर्जा का अपव्यय। दूसरी तरफ इच्छा शक्ति का मतलब है कि अपनी कल्पनाशीलता में, अपनी आशा विचार इच्छा में, अपनी आशा विचार और इच्छा में, अपनी कल्पना में जितना भी नेगेटिव थॉट है, जो ख्वाबी पुलाव बनाते रहते हैं, ये ऊर्जा का अपव्यय है। तो अपनी कल्पनाओं में ऊर्जा का अपव्यय, अपने एक्शंस में ऊर्जा का अपव्यय, ये मिसयूज है, ये मिसमैनेजमेंट है। जितना ये अपव्यय होगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो चला जाता है। तो इसका मतलब है यदि मेरे को ठीक से मेरी जिंदगी की तरफ ध्यान जाएगा तो हम माँ बाप के रूप में भी हमको हम फिर वो पूरी जिंदगी एक साधना है भाई। ये ऐसे चाहे किसी ने फिजिकल वर्ल्ड में मेहनत की है, चाहे किसी ने जिंदगी में मेहनत की है, किसी ने कुछ भी पाया है तो किसी मेहनत से पाया है। मैंने अखबार में कभी कोई कोट पढ़ा था, हम किसी दूसरे की सफलता को देख के ना हमको ईर्ष्या होती है, किसी की भी सफलता को देख के यदि हमने उसकी मेहनत को भी साथ में देखा होता तो हमको इंस्पिरेशन मिली होती, ईर्ष्या नहीं हुई होती। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं 20 साल ये साधना किया हूं। आज आप मेरे को खड़े हुए, आज ये ऑडियंस आज दिख रही है, है ना। 20 साल हर दिन, 20 साल हर क्षण यही सोचा, 20 साल हर क्षण यही सोचा कि यार समाज बदल सकता है, ये एजुकेशन बदल सकती है। हर युवा अपनी जिंदगी में एक शानदार जिंदगी जीने का अधिकारी है, हर युवा अपनी पहचान का, अपने सम्मान का अधिकारी है, हर युवा के पास एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है और उसको व्यक्त करने का अवसर है। सब कुछ बहुत अच्छा है, केवल कमी है तो हमारी सोचने का मैकेनिज्म फॉल्टी है।